बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास वन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और तमाम बच्चे जो है वो अपनी रिवीजन भी भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप सबके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और हमारी रिवीजन स्टार्ट है और ज़रूरी है कि आप अपनी डायरी डेली की मुकम्मल करें। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के लेसन की तरफ। तमाम बच्चे अपनी इंग्लिश की बुक्स और साथ में नोट्स ओपन कर लें। ठीक है, पेज नंबर 44 ओपन कर लें। आज हम लोग यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो आप सब बच्चे नोट्स खोल लें। ठीक है, यूनिट नंबर 5, ऑन द बस। ऑन मीन ऊपर, द बस बस के। ठीक है, बस के ऊपर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर आर द पीपल ऑन द बस गोइंग। वेयर आर द पीपल ऑन द बस गोइंग। वेयर आर, दोबारा से देखें, वेयर आर द पीपल ऑन द बस गोइंग, यानी कि बस के ऊपर जो है, बस के ऊपर जो लोग थे वो कहाँ जा रहे थे। दे आर गोइंग टू लाहौर। दे आर गोइंग टू लाहौर। दे आर गोइंग टू लाहौर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ मिसेस अली ड्रीमिंग अबाउट। व्हाट इज़ मिसेस अली ड्रीमिंग अबाउट। ड्रीमिंग मतलब ख्वाब देख रही। ठीक है, तो मिसेज अली किस चीज़ के बारे में ख्वाब देख रही थी। शी ड्रीम्स अबाउट द शालीमार गार्डन। शी ड्रीम्स अबाउट द शालीमार गार्डन। शी ड्रीम्स अबाउट द शालीमार गार्डन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द बस स्टॉप। वाई डज द बस स्टॉप। द बस स्टॉप्स, बस क्यों रुक गई। स्टॉप मीन रुकना। वाई डज द बस स्टॉप, बस क्यों रुक गई। द बस स्टॉप्स, बस रुक गई थी बिकॉज, क्योंकि देयर इज़ अ काउ ऑन द रोड। देयर इज़ अ काउ ऑन द रोड, क्योंकि सड़क पर एक गाय थी जिसकी वजह से बस रुक गई थी। ठीक है, यूनिट नंबर 5 में से सिर्फ ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।